जय जय शिव शंभू, जय भवानी, सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं एक छोटा सा चैलेंज लेने जा रहा हूँ, जिसमें हम 9 दिन तक माँ भगवती के उपवास रखेंगे, व्रत करेंगे और हम अन्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी तरह का अन्न नहीं खाएंगे 9 दिन तक। फल फ्रूट और दूध, बस दूध दही, ये इनमें से कुछ भी ले लेंगे। दशमी के दिन हम अन्न ग्रहण करेंगे। तो ये मेरा चैलेंज है, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ और इसका पूरा एक्चुअल में रीज़न ये है कि मैं अपने बॉडी पे काम करना चाहता हूँ। और एक ऑटोफेजी करके एक चीज़ होती है जिसमें शरीर को भूखा रखा जाता है और अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको जलाया जाता है, क्योंकि शरीर जब भूखा रहता है, अन्न नहीं जाता है, तो वो अपने अंदर जितनी भी गंदगी है उसको जलाता है। ये एक साइंटिफिक क्रिया है, एक यौगिक क्रिया है, तो वो हम करेंगे। दूध दही फल फ्रूट यही हम लेंगे, बाकी अन्न हम नहीं लेंगे। अन्न आज से हम दशमी के दिन लेंगे, तो टोटल ये पूरा सीन जो है 9 से 10 दिन का है। दोस्तों, इसके अंदर जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मेडिटेशन के ऊपर। गहरे से गहरे ध्यान में हम उतरें और अपने शरीर के साथ और मन के साथ और अपनी आत्मा के साथ कार्य करें और थोड़ा गहराई में जाएं जीवन की। तो अभी हम हमारे स्थान पर आ गए हैं जहाँ हम आते हैं, ये हमारी जगह है। दोस्तों, सबसे पहले हम 10 मिनट भस्त्रिका करेंगे, तीव्र भस्त्रिका। ये हमारा आसन है, आसन बिछा देते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, रोज पढ़ ही रहा हूँ मैं, हालांकि मैं अभी 10वें 12वें चैप्टर तक पहुँच चुका हूँ। टाइमर डाल दिया मैंने 10 मिनट का, अब हम भस्त्रिका करेंगे। तो दोस्तों, भस्त्रिका हो गई, अब हम थोड़ा सा रनिंग करेंगे, प्रॉपर थोड़ा जंगल के अंदर रनिंग करेंगे। एयरपोर्ट लगा दिया मैंने मेरे, और भोले बाबा का मस्त वाला भजन चलेगा और हम दौड़ेंगे। हर महादेव। सूर्योदय हो गया दोस्तों, जयकारा लगाएंगे महादेव का, हर हर महादेव, बोले शंकर, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो, जय भवानी। मजा आ गया, अभी हम नीचे जाएंगे। रनिंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अपने को थोड़ी बहुत रनिंग करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और ज़्यादा फोकस हमारा ध्यान पे है। सूर्य देवता को हमने जल अर्पण कर दिया है और रनिंग से काफ़ी सारा पसीना आ गया है, अभी हम ध्यान में बैठेंगे। दोस्तों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे यहाँ पे आंखें बंद करके। अब हम 10 मिनट का एक त्राटक करेंगे जिसमें आंखें खुली रहती है और हम एक टक किसी भी चीज़ को देखते रहते हैं, घूरते नहीं है, आराम से देखते रहते हैं। शुरुआत में जब ये कोई प्रयोग करता है तो उसकी आंखें जलती है, आंसू भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे 2-5 दिन में होने लगता है। तो अभी हम 10 मिनट का करेंगे जिसमें मैं और कुछ नहीं करूँगा, ये जो कैमरा है
इसकी जो रेड लाइट है या कि ये काम करते हैं इसका जो लेंस है उसमें मैं 10 मिनट तक लगातार देखूंगा और मेरा होश जो है यहाँ रहेगा नाभि पे। ठीक है, ये हम करते हैं। दोस्तों, हमने 2 अटेम्प्ट किए त्राटक के 10-10 मिनट के, लेकिन वो मैं 5 मिनट तक ही कर पाया कैरी ऑन। आंखें जलती है शुरुआत में, आंसू आते हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं 30 मिनट तक इसको लेके जा सकता था, मतलब 30 मिनट तक ले जाता था कि 30 मिनट तक मेरी आंख खुली ही है, बंद नहीं है और ना मैंने पलक झपकाई है। तो इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जैसे मेरा पहले 30 मिनट हो गया आज्ञा चक्र पे, उसके बाद ये थोड़ा त्राटक हो गया 10 मिनट का, 5-5 मिनट के 2 टुकड़ों में हुआ है। अब हम 45 मिनट, पूरे 45 मिनट लाश की तरह पड़े रहेंगे। इसको बोलते हैं शवासन। शवासन हम करेंगे जिसमें हमारा पूरा होश जो है ना, सांस का, हमारी जो सांस चल रही है इसका होश हमारी नाभि पे रहता है और यहाँ पे, इन 2 पे हमारा ध्यान रहता है और बॉडी का कोई भी पार्ट हिलेगा नहीं। बिल्कुल हम जैसे हमारे में जान ही नहीं है, इस तरह हम पड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलो वो करते हैं। मित्रों, शवासन हो गया, आज्ञा चक्र पे आंख बंद करके 30 मिनट हम साइलेंट सिटिंग कर लिए। फिर उसके बाद हमने त्राटक भी किया, सूर्य देवता को हमने जल अर्पण कर दिया, थोड़ी दौड़ भी लगा ली और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो गई। ठीक है ना, तो अब जो है ये परमहंस योगानंद की ये किताब मैं योगी कथामृत पिछले 20 दिनों से पढ़ रहा हूँ। 11वें अध्याय पे मैं पहुँच चुका हूँ, 2 अकिंचन बालक वृंदावन में। तो अभी हम थोड़ी देर इसको पढ़ेंगे, फिर इसके एंड में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा है। दोस्तों, योगी कथामृत के आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब अनंत दा, जो कि योगानंद जी के बड़े भाई थे, उन्होंने उनको भेजा वृंदावन, एक शर्त रखी कि तुम 1 भी रुपया किसी से लोगे नहीं, ना किसी से भीख मांगोगे, ना किसी से खाने के लिए मांगोगे, तुम्हें किसी को कुछ कहना ही नहीं है, ब्लैंक जाना है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारी ईश्वर पे कितनी श्रद्धा है, जाओ तुम पूरा वृंदावन घूम के आओ बिना पैसों के, बिना किसी से कुछ मांगे, और उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटती है, सारी व्यवस्था अपने आप होती है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिला कि ईश्वर पर अपनी श्रद्धा अटूट रखनी चाहिए, उसमें कहीं भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, आपका जो भी इष्ट है उसमें अटूट श्रद्धा रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। दोस्तों, हम अन्न तो लेंगे नहीं, तो अभी सुबह सुबह ये नारियल का जूस है।